दोस्तों, जब डायनासोर के जीवाश्म मिले तो पुरातत्व विभाग के वैज्ञानिकों ने बहुत आसानी से उनकी उम्र का पता लगा लिया, जिससे ये पता लग सका कि डायनासोर पृथ्वी पर कितने वर्ष पहले रहा करते थे। आपने अक्सर ये भी सुना होगा कि किसी जगह पर खुदाई में हजारों साल पुरानी वस्तुएं मिली हैं। आपने ये भी सुना होगा कि कोई चट्टान कितनी पुरानी है। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आखिर कैसे इतनी पुरानी चीज़ों की उम्र पता लग जाती है। मैं हूं आपका दोस्त शून्यम और एक बार फिर आपका ज्ञान और विज्ञान चैनल में स्वागत है। यदि आपने अभी तक ज्ञान और विज्ञान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी के आइकन पर क्लिक जरूर कर दें ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों, अब पूरी बात शुरू करते हैं। दोस्तों, आपने सुना होगा कि हजारों साल पुरानी वस्तुओं की उम्र पता लगाने के लिए कार्बन डेटिंग का इस्तेमाल किया जाता है। कार्बन डेटिंग से किसी वस्तु की उम्र कैसे पता की जाती है, ये जानने से पहले कार्बन डेटिंग के बारे में कुछ खास बातें जान लीजिए। दोस्तों, पहली बात तो ये कि कार्बन डेटिंग से सिर्फ 50,000 साल पुरानी चीजों की ही उम्र पता की जा सकती है। तो ये बात साफ हो जाती है कि पुरानी चट्टानों की उम्र पता करने में कार्बन डेटिंग का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि चट्टानें लाखों वर्ष पुरानी भी हो सकती हैं। दूसरी बात ये कि कार्बन डेटिंग का इस्तेमाल मुख्यतः मृत जीवों और पेड़ पौधों के जीवाश्मों की उम्र पता करने के लिए किया जाता है, अर्थात जो कभी जीवित रहे हों, या फिर वो वस्तुएं जिनमें जीव या पेड़ पौधों का इस्तेमाल हुआ हो, जैसे कि हड्डियों से बनी वस्तुएं, लकड़ी से बनी वस्तुएं, हाथी के दांत से बनी वस्तुएं आदि। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कार्बन डेटिंग के द्वारा हजारों साल पुराने जीवाश्म की उम्र का पता कैसे लगाया जाता है। परंतु पहले आप कार्बन के बारे में कुछ खास बातें जान लीजिए। वातावरण में कार्बन कई अवस्थाओं में पाया जाता है, जिनमें से दो अवस्थाएं मुख्य हैं, C12 और C14। C12 कार्बन की स्टेबल फॉर्म है, जबकि C14 कार्बन की अनस्टेबल फॉर्म है। अनस्टेबल का मतलब है कि इसकी मात्रा समय के साथ कम होती चली जाती है और ठीक 5730 साल के बाद ये आधी रह जाती है, जबकि स्टेबल फॉर्म होने के कारण C12 की मात्रा उतनी ही बनी रहती है। दोस्तों, सभी जीव जंतु और पेड़ पौधे जब तक जीवित रहते हैं, C12 और C14 को वातावरण से एक निश्चित अनुपात में ग्रहण करते हैं, अर्थात जब तक कोई जीव या पेड़ जीवित रहता है उसके शरीर में C12 और C14 का अनुपात निश्चित रहता है। क्योंकि C12 कार्बन की स्टेबल फॉर्म है, इसीलिए समय के साथ C12 की मात्रा मरने के बाद भी शरीर में कम नहीं होती और उतनी ही बनी रहती है, जबकि अनस्टेबल होने के कारण C14 की मात्रा समय के साथ कम होती चली जाती है। अब इसे एक उदाहरण से समझिए। मान लीजिए सभी जीवों में C12 और C14 का अनुपात 3:2 होता है। अब हमें साइबेरिया की बर्फ में दबा एक हाथी का दांत मिलता है और हमें पता लगाना है कि ये कितना पुराना है। तो सबसे पहले हम हाथी के इस दांत में C12 और C14 का अनुपात और मात्रा का पता लगा लेंगे। उदाहरण के लिए मान लीजिए इस हाथी के दांत में हमें 15 ग्राम C12 और 5 ग्राम C14 मिला, अर्थात C12 और C14 का अनुपात 3:1 है। मात्रा और अनुपात की गणना करके हम आसानी से ये जान जाते हैं कि C14 की मात्रा आधी हो चुकी है और अब हम कह सकते हैं कि हाथी का ये दांत 5730 साल पुराना है, क्योंकि हम जानते हैं C14 को आधा रह जाने में 5730 साल का समय लगता है। इसी प्रकार गणना करके कार्बन डेटिंग की मदद से 50,000 साल तक पुराने जीवाश्मों की आयु का पता लगा लिया जाता है। दोस्तों, लाखों साल पुरानी चट्टानों की आयु का पता कार्बन डेटिंग से नहीं लगाया जा सकता। इनकी उम्र का पता लगाने के लिए पोटेशियम और बेरिलियम की डेटिंग का इस्तेमाल किया जाता है, परंतु प्रोसेस ठीक कार्बन डेटिंग जैसा ही होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। यदि आपने अभी तक ज्ञान और विज्ञान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें और वीडियो को लाइक करना न भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।